जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि जंपर ग्रुप बी एंड सी ऑनलाइन फॉर्म 2020, जंपर ग्रुप में मेडिकल की ढेर सारी वैकेंसीज निकली हैं, जैसे नर्सिंग की निकली है, तो इसी के ऊपर आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के या कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें भी आप इसे एक्सेस कर रहे हैं वहां पर आपको जाना है और यूआरएल पे टाइप करना है kingcroft.com। क्या टाइप करना है? kingcroft.com। ठीक है, जैसे ही kingcroft.com आप डालोगे तो ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी और फ्रंट पे ही ये जंपर ग्रुप बीसी का ऑनलाइन का जो लोगो है प्लस इंफॉर्मेशन है ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं इसमें आता है तो आपको क्या टाइप करना है? kingcroft.blogspot.com। ये दोनों ही चीज, आप कोई भी चीज अगर आप यहां पर डालते हैं अपनी क्रोम ब्राउजर पर इस लिंक को, तो आपके सामने ये खुल के आना ही आना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक ही मैं दे दूंगा, आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चीजें आपके सामने खुल जाएगी। तो आइए देखते हैं ये है क्या, ये वैकेंसी में निकली क्या क्या है और इसे हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइए मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पर क्या है। ये जंपर ग्रुप बी एंड सी ने निकाली मेडिकल की ढेर सारी वैकेंसियां, नर्सिंग ऑफिसर एंड अदर पोस्ट, ऑल इंडिया जॉब 2020। क्या है ये? जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, जंपर। अब आइए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? नेम ऑफ कोर्स का क्या है, ये जंपर का जो ग्रुप है 2020। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होता है? तो कल से हो चुका है, 18 तारीख से, 18/12/2019 से। इसका लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट कब इसमें अप्लाई आप कर सकते हो? 20 जनवरी 2020 को शाम को 4 बजे तक, 4:30 बजे तक। ठीक है, इसका जो आप फी पेमेंट करोगे वो 20 ही तारीख है, 20 जनवरी 2020 तक। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट जो है वो 23 फरवरी को है, उसके 1 महीने के बाद। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो फरवरी में किसी भी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है और मेरे दिए हुए सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सारी की सारी नोटिफिकेशन वहां पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अप्लीकेशन फी, जो फी है वो जनरल एंड ओबीसी एंड EWS के लिए 1500 रुपए, मतलब पूरा बैंड बजा दिया है, 1500 रुपए ये फी ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है। SC ST को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, इनसे भी 1200 रुपए ले रहे हैं। PH यानी कि जो फिजिकल जिन्हें कोई प्रॉब्लम है उनके लिए छूट है, वो फ्री में ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए देखते हैं पेमेंट मोड, आप कैसे पैसे दे सकते हैं। तो आप यहां पर अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं, जैसा भी पे करना है आप पे कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहां पर मैंने ये लिंक दे रखा है, आप यहां पर देख सकते हैं अप्लाई वाला लिंक। आप इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है, मैंने यहां पर क्लिक कर दिया तो नए टैब पे ये खुल गया। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे आपको अप्लाई करना है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये खुल गया, उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर रीप्रिंट फॉर्म, अगर प्रिंट फॉर्म वगैरह आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले लिंक पे तो फिर से ये ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा तो यहाँ से रीप्रिंट वगैरह फ्यूचर में आप कर सकते हैं। इसी तरह पे एग्जाम फी का भी लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्या करना है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम चीज, आपका अकाउंट होगा, यूजर नेम पासवर्ड अगर आप डालोगे तो यहाँ से चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अब मेन जो लिंक है वो क्या है, डाउनलोड नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देखिए नोटिफिकेशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन। अब आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो मैंने फिर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दिया ना। अब यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्लिक है, आप इस नोटिफिकेशन को पूरे PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा इसलिए इसे मैं क्लोज नहीं करता। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा और नए टैब में आपको ऑफिशियल वेबसाइट
मिल जाएगी। यहाँ से कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसके कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन वगैरह पीडीएफ में डाल रखा है इन्होंने। अगर आपको रीड करना है, पढ़ना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी पीडीएफ इन्होंने अपलोड कर रखा है। तो मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अब आइए देखते हैं, जो मैंने मुझे नॉर्मली आपको दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बम्पर वैकेंसियां हैं, इसमें क्या क्या वैकेंसी है, किसके किसके लिए क्या क्या निकला हुआ है, तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पे मैंने क्लिक किया था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन, डाउनलोड नोटिफिकेशन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया था तो ये खुल के आ गया था। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए सारे पेजेस के बारे में दिया है कि फर्स्ट एडमिन वन रिसर्च कॉल के लिए 3 पेज पर है, 4 पेज पे है। जी, जो भी अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग आप चले जाएंगे, देख लेंगे। इसको आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद कोई प्रॉब्लम है तो ये देखिए इसका वेबसाइट भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। वेबसाइट है प्लस ऊपर ईमेल आईडी, कोई भी हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझे भी मेल कर सकते हो, मेरी दी हुई मेल आईडी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। सेम चीज मैंने आपको डेट टाइम सब बता दिया था कि डेट कब है, फाइनल कब है, फाइनल डेट कब है, लास्ट डेट कब है, फी वगैरह वो सारी चीजें मैंने बता दी थी, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब जो मेन चीज है वो दिखाना था मुझे, क्या है ये पोस्ट कोड, सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ पोस्ट, ये सारी चीजें बताना था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसी तरह करते हुए ढेर सारी यहाँ 9 वैकेंसीज हैं लगातार, आप देख सकते हैं। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर की है यहाँ पर, ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, नर्सिंग ऑफिसर की है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, ये ढेर सारी, फिजिकल नर्स की है, जूनियर इंजीनियर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की है, वर्कशॉप वगैरह, जो आई थिंक ये जो मेडिकल शॉप पे जो बैठते हैं उनकी भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेडिकल लाइन वाले को, लोगों को ज्यादा पता होगा कि इन वैकेंसियों के बारे में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंटल्स की जरूरत है, जो डेंटल दांत के डॉक्टर्स होते हैं, तो इनकी सबकी वैकेंसी अगर आप देखना चाहोगे तो टोटल वैकेंसी 85 है, ठीक है, नर्सिंग की, यूआर की है 43, EWS की 9, OBC वालों के लिए 12, SC ST के लिए 7 और 14। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं तो जूनियर इंजीनियर की भी 1 है, ठीक है, OBC वगैरह में 0 है, URN में ही है बस। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, ये 9 वैकेंसीज है जो कि निकली हुई हैं। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, ये उसका लिंक है, और तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज बची हुई जो मैं ना बता सका हूँ। तो जो मोटा मोटी है मैंने आपको बता दिया है, और इसका पे स्केल अगर आप देखना चाहिए, इसका पे स्केल जबरदस्त है। यहाँ पर आप देखिए पे स्केल क्या है, 44,900 रुपए, लीव 7, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त इसकी सैलरी भी है, ठीक है। पोस्टल कोड अगर आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड नंबर, ये सारी चीजें हैं पूरा, मतलब जितनी चीजें मैंने बताई, अगर ब्रीफ में उसको जानकारी चाहिए तो ये पूरा का पूरा आप स्क्रॉल करते जाइए और हर वैकेंसी के बारे में आपको पता चल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको क्वेरी है मन में, तो नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां पर क्वेरी कीजिए, वहां पर सारी नोटिफिकेशन आती रहती है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ, दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।